मौला अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम का एक माजरा ये है कि एक रोज़ आप मस्जिद में आकर लेटे हुए थे और आपके जिस्म पर कुछ मट्टी लग गई। इतने में नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और अपने मुबारक हाथों से सुभान अल्लाह आपके बदन की मट्टी झाड़ते हुए फरमाया, कुम या अबा तुराब, यानी ए मिट्टी वाले उठो। उस रोज़ से आपकी कुनियत जो है वो अबू तुराब हो गई। अब मज़े की बात यह है, बज़ाहिर तो मट्टी वाला यानी एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन किन की ज़बान से अदा हुआ था, ये अल्फाज किसकी ज़बान से जारी हुए थे? तो सुभान अल्लाह, जब हज़रत अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम को कोई अबू तुराब कहता तो आप बड़े खुश होते, बल्कि आपको अपने नाम से ज़्यादा ये जो अबू तुराब कुनियत थी वो पसंद थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया ए मट्टी वाले। सुभान अल्लाह, ये भी इश्क़ रसूल का कनेक्शन विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा शानदार मुजाहरा है कि नबी पाक ने जो फरमाया वही मेरे लिए बेहतर है, वही मुझे पसंद है, जो आका को पसंद है वो हमें पसंद है। और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को ऐसी प्यारी कुन्नियत अता हो और कलम रज़ा खामोश हो जाए, ये कैसे हो सकता है? आला हज़रत कितनी प्यारी बात लिखते हैं, उसने लकब खाक शहनशाह से पाया। खाक तुराब को कहते हैं ना, लकब यानी जो कुन्नियत मिली नबी पाक से मिली, उसने लकब खाक शहनशाह से पाया, जो है दरे कर्रार के मौला है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद आला है हमारा। उसने लकब खाक शहनशाह से पाया, उसने लकब खाक शहनशाह से पाया, जो है दरे कल्लार के, जो है दरे कल्लार के मौला है हमारा, जो है दरे कल्लार के मौला है